हेलो फ्रेंड्स ये तीसरा लेक्चर है और इसमें हम लोग झारखंड की नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं झारखंड की संपूर्ण नदियाँ ऐसा नहीं कि इसके बाद कोई दूसरा पार्ट आने वाला उसमें कंप्लीट करवाएगा सब कुछ इसमें ही कंप्लीट हो जाएगा ठीक है और ये जितने लेक्चर्स आप देख रहे हैं ये सभी पेड क्लासेस का ही हिस्सा है होता क्या है कि जब आप एक डेढ़ घंटे का क्लास करते हैं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें जो कंटेंट निकल कर आता है वो पाँच से दस मिनट का ही आता है लेकिन उन पांच से दस मिनट के कंटेंट को समझने के लिए पूरा का पूरा एक घंटे का कंसेप्ट लेक्चर आपको समझना होगा ठीक है तो ये जो आप देख रहे हैं वो वही कंटेंट है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ओके इसको एक्सप्लेन भी किया जा रहा है ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको पीडीएफ दे दिया जा रहा है इसका जो भी पीडीएफ है वो टेलीग्राम में अवेलेबल है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं क्लियर चलिए स्टार्ट चल करते हैं हम लोग यहाँ मैप में भी दिखाया गया है सभी नदियों को आप इससे समझ पाएंगे अच्छे से क्योंकि बिना मैप का रिवर पढ़ना कोई फायदा नहीं है आप समझ ही नहीं पाएंगे याद रहेगा ही नहीं ठीक है तो स्टार्ट करेंगे हम लोग संख नदी से यहाँ पर देखिए क्या क्या है किसी भी नदी के बारे में आपको ये पता होना चाहिए अगर वो इम्पोर्टेंट है तो ये पता होना चाहिए कि उसका ओरिजिन कहाँ से होता है तो ये जो है झारखंड के सबसे ऊंचे स्थान पाट क्षेत्र से निकलती है गुमला का लुपुंग पाठ है गुमला में बहुत सारे पाठ है ना तो उसमें से एक है लुपुंग पाठ यहाँ से ये निकलती है यहाँ से निकलने के बाद ये जाती है छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ से वापस झारखंड आती है झारखंड से फिर सिमडेगा ये झारखंड से फिर उड़ीसा और उड़ीसा में ये जो है दक्षिण कोयल से मिल जाती है उस संगम स्थल को बोलते हैं वेद और इस संयुक्त धारा को मतलब संख और दक्षिण कोयल के संयुक्त धारा को कहते हैं ब्राह्मणी नदी ठीक है तो प्रवाह क्या हो गया झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा झारखंड में गुमला और सिमडेगा हो गया इसकी कुल लंबाई है 240 किलोमीटर जहाँ झारखंड में इसकी लंबाई है 145 किलोमीटर इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो है वो है छिंदा नदी पालमारा केदार लावा डोंगरजोर चिरा इसमें से अधिकांश नदियाँ जो है वो सिमडेगा में ही है ठीक है जैसे कि ये आप देख रहे हैं छिंदा नदी इस पे एक प्रमुख वाटरफॉल है केला घाट केलाघाक वाटरफॉल ये सिमडेगा में ही है ओके ये हो गया फिर यहां पर आप देख रहे हैं लावा लावा जो नदी है ये गुमला में संख नदी से मिलती है क्लियर अब इसी को थोड़ा यहां हम लोग समझते हैं मैप में देखिए ये दिख रहा होगा आपको तो थोड़ा सा मैं यहां जूम करता हूं संख नदी जो है वो गुमला से निकलती है ओके गुमला से निकलने के बाद यह जाती है छत्तीसगढ़ वापस से गुमला फिर सिमडेगा और फिर ये इस तरह से बहती है यहाँ पर एक डैम का निर्माण करती है इसको बोलते हैं मंदिरा डैम क्या बोलते हैं इसको मंदिरा डैम ओके और इधर जो है दक्षिण कोयल नदी जो कि रांची से निकल रांची से लोहरदगा फिर गुमला उसके बाद खूंटी सिमडेगा के बीच बाउंड्री बनाते हुए पश्चिम पश्चिम सिंहभूम उसके बाद ये आती है उड़ीसा में और संख नदी से मिलती है और दोनों के मिलने से जो संयुक्त धारा है यह कहलाती है ब्राह्मणी ये ब्राह्मणी इस संगम स्थल को कहते हैं वेद व्यास इसका अगर आप लेंथ देखेंगे ये जो नदी है तो संख नदी का लेंथ क्या है यहां पर आपने देखा ये जो है एक ये हो गया झारखंड के लिए और एक ये हो गया तो दो, दो जगह है ना तो छत्तीसगढ़ जाने से पहले इसका लेंथ है छत्तीसगढ़ जाने से पहले इसका लेंथ है 67.5 किलोमीटर उसके बाद जब वापस आती है तो इसका लेंथ क्या हो गया 78 किलोमीटर ठीक है टोटल आप करेंगे तो लगभग 145 किलोमीटर आएगा झारखंड के लिए अब यहाँ पर आपके मन में आ सकता है कि छत्तीसगढ़ में इसका लेंथ कितना है तो छत्तीसगढ़ ये जो पोर्सन आप देख रहे हैं इसका लेंथ है पचास किलोमीटर उड़ीसा जो है सब ये उड़ीसा में इसका लेंथ कितना है फोर्टी किलोमीटर यहाँ पर जो आपको दिख रहा है उस पर नहीं जाना है ये ज्यादा मैंने खींच दिया है तो उड़ीसा में इसका लेंथ है फोर्टी फोर किलोमीटर और वेद व्यास संगम के पहले ये एक डैम का निर्माण करती है मंदिरा डैम ओके इतना आपको याद रखना है ये हो गया इसमें जो प्रमुख वाटरफॉल्स है एक मैंने बताया यहाँ पर एक सुगा काटा घाघ हो गया केला घाघ दंगाड़ी ये सभी सिमडेगा में है ये सभी कहा है सिमडेगा में एक वाटरफॉल हीरादार जो कि एक तीर्थ स्थल भी है पिकनिक पिकनिक स्पॉट भी है ये गुमला में है ओके okay? ये हो गया संख नदी इसके बाद है दक्षिण कोयल नदी अच्छा दक्षिण कोयल को बताने से पहले यहां पर एक चीज और समझिए देखिए ये जो दक्षिण कोयल मैंने अभी आपको बताया ना ये ये जो मैंने बताया तो जब ये लोहरदगा में जाती है जब ये लोहरदगा में जाती है ये वाला एरिया ओके okay? तो एक छोटी नदी है जो कि लोहरदगा से निकलती है ओके okay, लोहरदगा से निकल इसी दक्षिण कोयल में मिल जाती है इस नदी को बोलते हैं इस नदी को बोला जाता है शंख नदी ओके okay, छोटी सी नदी है लोहरदगा से निकलती है और लोहरदगा में ही ये दक्षिण कोयल से मिल जाती है तो आप देख रहे हैं कि यहां पर दो नदियों का जिक्र हो रहा है एक लोहरदगा से जो शंख नदी निकलती है और एक गुमला से निकलती है जो मुख्य नदी है वह है गुमला वाली ठीक है तो कन्फ्यूज नहीं करना है कि शंख नदी लोहरदग्गा कहाँ पहुंच गया लोहरदग्गा में एक अलग शंख नदी है निकलती है छोटी सी है और इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि जो लोहरदग्गा है वो शंख नदी के किनारे है ओके वो बिल्कुल अलग है इससे गुमला वाली शंख नदी से बिल्कुल अलग है और जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे झारखंड का तो आपको ये पता चलेगा कि झारखंड में हीरा पाया जाता था और वो जो हीरा है वो इसी शंख नदी के किनारे पाया जाता था इवन मुगल काल में जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तो जो कि जहांगीर में भी लिखा है कि इस नदी के किनारे हीरा पाए जाते थे ठीक है ये हो गया संख नदी इसके बाद दक्षिण कोयल देखते हैं दक्षिण कोयल का ओरिजिन क्या हो गया नगड़ी रांची अब देखिए यहां पर कंफ्यूज नहीं करना है ये रांची पठार जो है रांची पठार रांची जिला को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है इसमें रांची आ गया खूंटी आ गया थोड़ा सा लोहरदगा आता है गुमला आता है ओके तो आप उन नदियों के बारे में भी जिसका ओरिजिन खूंटी है उसके बारे में भी आप पढ़ें कि उसका ओरिजिन क्या है रांची पठार क्योंकि पठार तो अलग हो गया ना ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे ठीक है जैसे कि तजना नदी तजना नदी रांची से निकलती है उत्तरी कायरो उत्तरी कायरो नदी जो है वो खूंटी से निकलती है लेकिन खूंटी ना देकर के एग्जाम में दे सकता है रांची पठार तो ऐसे भी आपको याद रखना चाहिए ठीक है रांची पठार से निकलती है या फिर यूं कहें नगड़ी रांची से निकलती है ओके okay, और जहां से निकलती है उस जगह को बोलते हैं अच्छा वो रानी चुआ मैं बोलने वाला था रानीचुआ जो है वो स्वर्णरेखा का ओरिजिन है लेकिन एरिया सबका नगरी है ये जो नगरी एरिया है ना यहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है रांची से जैसे कि तजना हो गया दक्षिण कोयल हो गया स्वर्णरेखा हो गया ये सभी आसपास ही ओरिजिन है इन सभी का ओके अब प्रवाह आपको बताया गया यहाँ पर देखिए ये जो दक्षिण कोयल है रांची लोहरदगा गुमला सिमडेगा खूंटी के बीच बाउंड्री बनाते हुए पश्चिम सिंहभूम उसके बाद उड़ीसा तो झारखंड में रांची लोहरदग्गा गुमला सिमडेगा खूंटी और ये पश्चिम सिंहभूम हो गया ठीक है ये इसका प्रवाह क्षेत्र है रांची लोहरदग्गा गुमला सिमडेगा खूंटी और पश्चिम सिंहभूम झारखंड और उड़ीसा इसका प्रवाह क्षेत्र हो गया ठीक है ये है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है दो किलोमीटर और मुहाना क्या हो जाएगा जैसे शंख नदी में था वैसे इसका हो जाएगा मतलब वेद व्यास ठीक है शंख नदी से मिलती ये है ये ये संगम संगम स्थल स्थल हो गया जो है है कहलाता ओके और शंख नदी से मिलती है और संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं ब्राह्मणी बोलते हैं ये हो गया उसके बाद देखते हैं उत्तरी कायरो उत्तरी कायरो को यहाँ पहले समझ लीजिए उत्तरी कायरो नदी जो है उत्तरी कायरो नदी ये खूंटी से निकलती है खूंटी से निकलने के बाद ये जो है रांची जाती है रांची से गुमला वापस से खूंटी आती है और फिर पश्चिम सिंहभूम में ये दक्षिण कोयल से मिल जाती है ये हो गया उत्तरी कायरो एक आता है दक्षिण कायरो वो अलग है दक्षिण कायरो नदी जो है ये ओडिशा से निकल कर पश्चिम सिंहभूम आती है और पश्चिम सिंहभूम में ये जो है दक्षिण कोयल से मिल जाती है तो ये ये क्या हो गया ये ये दक्षिण कायरो हो गया और ये जो खूंटी से आ रही है

तजना नदी जो है ये रांची से निकलती है कहाँ से निकलती है रांची से और नगड़ी के एरिया से ही निकलती है रांची से निकलने के बाद ये उत्तरी कायरों से खूंटी में मिलती है तो इसका प्रवाह क्षेत्र क्या हो गया एक रांची है और खूंटी है और किससे मिलती है ये ये उत्तरी कायरों से मिलती है ठीक ना तजना का मुहाना क्या है उत्तरी कायरों है रांची से निकलती है और खूंटी में उत्तरी कायरों से ये मिल जाती है क्लियर उसके बाद दक्षिण कायरों दक्षिण कह अभी आपको बताया गया है कि ये उड़ीसा से आती है उड़ीसा से आने के बाद पश्चिम सिंहभूम में ये जो है दक्षिण कोयल से मिल जाती है ओके अच्छा दक्षिण कोयल के लिए आप याद रखेंगे यहाँ पर सारंडा जंगल है ओके तो सारंडा जंगल के ये जो है किधर बह रही है दाहिने और ना राइट साइड अब राइट साइड कैसे देखना है इसके डायरेक्शन देखना डायरेक्शन कैसा है इसका इस तरह से डायरेक्शन है तो सारंडा जंगल यहां पर आ रहा है ना इस तरह से डायरेक्शन इसका ऐसे है ना तो ये राइट साइड सारंडा जंगल इसके राइट साइड में है और सारंडा के ये बाई ओर से बहती है दोनों में सारंडा के बाई ओर से बहती है और सारंडा इसके दाहिने ओर है ठीक है तो ये भी आपको समझना चाहिए उसके बाद कायना नदी है कायना नदी जो है ये पश्चिम सिंहभूम से ही निकलती है पश्चिम सिंहभूम में ही ये दक्षिण कोयल से मिल जाती है तो यहीं पर है ना में देखिए ये हो गया दक्षिण कोयल रांची लोहरदगा गुमला सिमडेगा खूंटी पश्चिम सिंहभूम ओके अभी मैंने बताया इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें एक बताया मैंने दक्षिण कायरो ओके ये हो गया फिर उत्तरी कायरो है उत्तरी कायरो हो गया एक जो है इसमें आता है कायना नदी तो कायना नदी जो है इससे ये पश्चिम सिंहभूम से निकलती पश्चिम सिंहभूम में ही इससे मिल जाती है सारंडा जंगल से इसका ओरिजिन होता है यही हो गया कायना नदी ओके उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं रामगढ़ा नदी और एक देव नदी है रामगढ़ा नदी जो है इसका ओरिजिन पश्चिम सिंहभूम से होता है ठीक कायना नदी की तरह लेकिन ये कायना में मिलती है रामगढ़ा किसकी सहायक है कायना की सहायक है ओके फिर देव नदी है देव नदी ये गमहरिया सराय खेलर से निकल कर आती है और दक्षिण कायरों से मिल जाती है इसको यहां समझिए ये आप सभी नदियों को जान रहे हैं ये क्या हो गया ये हो गया दक्षिण कोयल ओके ये क्या क्या हो गया उत्तरी कायरो ये क्या हो गया दक्षिण कायरो ओके ये क्या है कायना ये कायना है ओके अभी आपको बताया गया एक रामगढ़ा नदी रामगढ़ा नदी जो है पश्चिम सिंहभूम से निकलती है और ये कायना से मिल जाती है ये क्या हो गया ये रामगढ़ा नदी हो गया ओके इसी नदी पर एक जो है वाटरफॉल है रामगढ़ा नदी पर जिसको क्या बोलते हैं हिरणी वाटरफॉल हिरणी वाटरफॉल जो है यही रामगढ़ा नदी पर है ओके ये हो गया उसके बाद देव नदी बताया गया आपको देव नदी जो है ये सरायकेला खरसावा से निकल कर आती है सरायकेला खरसावा से निकल कर आएगी ओके okay. और पश्चिम सिंहभूम में पश्चिम सिंहभूम में ये जो नदी है देव नदी ये किससे मिल जाती है दक्षिण कायरो से ये दक्षिण कायरो है ना ये जो है दक्षिण कैरो से मिल जाती है ओके okay. ये क्या है ये देव नदी है ओके okay. तो यही यहां पर लिखा हुआ है इसका ओरिजिन मुहाना क्लियर और दक्षिण कोयल पर एक वाटरफॉल आपको याद रखना है नागफेनी वाटरफॉल नागफेनी वाटरफॉल बागमुंडा वाटरफॉल उलुंग वाटरफॉल उलुंग जो है खूंटी में है बागमुंडा गुमला में है नागफेनी वाटरफॉल ये कहाँ है ये भी गुमला में है अब नागफेनी वाटरफॉल को समझने के लिए थोड़ा आप ये समझिए कि जो दक्षिण कोयल नदी है ठीक है दक्षिण कोयल नदी जब गुमला जाती है ये जो आप पोर्सन देख रहे हैं ना ये वाला पोर्सन तो जब ये गुमला जाती है तो यहां पर कुछ एरिया तक इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं नागफेनी नदी तो नागफेनी कोई अलग नदी नहीं है ये जो है दक्षिण कोयल ही है दक्षिण कोयल को गुमला में क्या बोलते हैं नागफेनी ओके इसीलिए आप देखेंगे कि जो नागफेनी वाटरफॉल है इसके लिए नदी भी लिखा रहा था नागफेनी नदी लेकिन कोई अलग नहीं है साउथ कोयल ही है दक्षिण कोयल ही है ओके तजना पर एक वाटरफॉल बनता है रानी वाटरफॉल रामगढ़ा पर वाटरफॉल बनता है हिरणी वाटरफॉल ओके ये हो गया इसके बाद हम लोग देखते हैं सोनरेखा नदी सोनरेखा नदी को यहाँ पर मैप में दिखाया गया है आप इसको देख लीजिएगा और मैं अभी बताऊंगा अभी मैप में ताकि आप अच्छे से समझ पाए ठीक है देखिए देखिएखा तो नदी जो है इसका ओरिजिन कहाँ होता है इसका ओरिजिन नगड़ी में होता है और उस क्षेत्र को बोलते हैं एग्जैक्ट प्लेस को रानी चुआ बोलते हैं एक्चुअली कुआं होना चाहिए था लेकिन शुरुआत से इसका नाम चुआ ही है ओके तो रानी चुआ से इसका ओरिजिन होता है और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है जब मैंने कंसेप्चुअली पढ़ाया था पेट क्लास में तो वहां पर रांची सरायकेला सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम बताया था आप जो है रामगढ़ को भी ऐड कर लीजिएगा क्योंकि ये रांची रामगढ़ के बाउंड्री पर बहती है है ना बहुत जगह देखने के बाद है ना मुझे ये जानकारी मिला है कि रामगढ़ भी होना चाहिए ठीक है थोड़ा डाउट रहता है क्योंकि एग्जैक्ट डेटा मिलता नहीं है आपको मैनुअली जो है मैप से देखना पड़ता है तो कुछ किताबों को मैंने देखा ओके कुछ रिसर्च पेपर को देखा तो रामगढ़ है ओके okay? रांची रामगढ़ सरायकेला खरसावा पूर्वी सिंहभूम ये हो गया झारखंड का झारखंड पश्चिम बंगाल और उड़ीसा इन तीन राज्यों में इसका प्रवाह होता है रांची पठार इसका भी हो जाएगा ओरिजिन की बात की जाए तो ठीक है और पूरे झारखंड में एकमात्र नदी है स्वर्णरेखा जो कि स्वतंत्र रूप से समुद्र में जाकर मिलती है जैसे कि अगर हम लोग किसी किसी भी नदी को ले लेते हैं ठीक ना यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करेंगे जैसे उत्तरी कोयल की बात करें ठीक है उत्तरी कोयल कोई भी नदी है वो अंतिम रूप से समुद्र में ही जाएगी लेकिन इनडायरेक्टली जाती है कैसे जाएगी ये जो नॉर्थ कोयल है ये नदी जाएगी किसे पहले ये जाएगी पहले सोन नदी में अब सोन नदी जो है ये किस में जाएगी गंगा नदी में ओके गंगा नदी जो है ये किस में जाएगी हुगली नदी में नदी फिर जाएगी बंगाल की खाड़ी में तो ये कनेक्टिविटी है इनडायरेक्टली तो ऐसी बहुत ही कम नदियां हैं जो डायरेक्ट रूप से समुद्र तो में जाकर गिरती हैं तो उसमें से झारखंड के लिए एकमात्र है स्वर्णरेखा नदी ओके तो मुहाना क्या हो जाएगा जहां पर ये बंगाल की खाड़ी से मिलती है ओके वहां पर बंदरगाह है उस बंदरगाह को स्वर्णरेखा बंदरगाह भी बोलते हैं लेकिन एग्जाम में आएगा तो स्वर्णरेखा नाम नहीं देगा उसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं कीर्तनिया बंदरगाह जिसको बोलते हैं कीर्तनिया बंदरगाह ओके और इस क्षेत्र को बोला जाता है चौमुखा गांव बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है इसकी कुल लंबाई है थ्री नाइनटी फाइव किलोमीटर जिसमें झारखंड में इसकी लंबाई है टू सिक्सटी नाइन किलोमीटर ओके इसकी सहायक नदियों में जुमार है कांची करकरी बमनी खरखई हरमू रोरो, संजय, डोरंडा डोलुंग गुदरू और राडो ओके तो ये सब जो नदियां हैं इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे ठीक है पहले एक रफ यहां पर आइडिया हम लोग ले लेते हैं देखिए इसको पहले एक बार यहां समझ लीजिए जो भी महत्वपूर्ण नदियां हैं पहले एक बार यहां समझ लेते हैं तो रेखा नदी जो है ये रांची से निकलती है रांची से निकलने के बाद ये रांची रामगढ़ के बीच बाउंड्री बनाते हुए ये जो है रांची और पश्चिम बंगाल पूर्णिया है ना उसके बीच बाउंड्री बनाती है उसके बाद यह चली जाती है कहाँ पश्चिम बंगाल फिर सरायकेला खरसावा पूर्वी सिंहभूम उसके बाद पश्चिम बंगाल फिर उड़ीसा और फिर बंगाल की खाड़ी ये इसका डायरेक्शन है ये इसका जो है डायरेक्शन है ओके और यहां पर उड़ीसा में जहां पर ये मिलती है बंगाल की खाड़ी में उसको क्या बोलते हैं चौमुखा गांव या कीर्तनिया बंदरगाह बंदरगाह तो यहाँ पर आप देख रहे हैं झारखंड है, है पश्चिम बंगाल है फिर उड़ीसा है इसका ओके okay. फिर क्या है उड़ीसा है अब इसमें कुछ नदियों का जो संगम होता है वो किस तरह से हो रहा है इसको समझना है देखिए रांची में एक राडू नदी यहीं से निकलकर रांची और पश्चिम बंगाल के बाउंड्री पर इससे मिल जाती है ये क्या हो गया ये राढू नदी हो गया कांची नदी जो है ये जहां राहुड़ और सोनरेखा का संगम है वहीं पर इससे मिलती है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये पहले राहू से मिल जा रही है ये क्या हो गया ये कांची हो गया तो ये दो महत्वपूर्ण नदी है राहू और कांची इसको याद रखिएगा ठीक है अभी और भी नदियां हैं उसको देखेंगे क कर करके पहले यहां पर डिटेल्स देख लेते हैं ये सोनरेखा हो गया ओके अब इसकी सहायक नदियों में पहले आता है जुमार तो जुमार जो है ये रांची से निकलकर रांची में ही कांके डैम से एक्चुअली आती है इस तरह से यहां पर आप इसको ऐसे समझिए कि ये सोनरेखा नदी है इधर राडू हो गया इधर कांची हो गया जो जुमार नदी है ये लेफ्ट साइड से आती है ये जो है लेफ्ट साइड से आती है ठीक है ये पहले ही होगा ये पहले ही होगा ये क्या हो गया ये जुमार तो ये लेफ्ट साइड से आती है ठीक ना बाई और की सहायक नदी है ये क्लियर राडू नदी जो है ये रांची से ही निकलती है और इसकी एक सहायक नदी है कोकरो इसकी सहायक नदी है कोकरो ठीक है इसको जो है यहां पर आप ऐसे समझिए इसको ये सोनरेखा नदी है ओके उसके बाद ये क्या हो गया राडू नदी राड़ू नदी जो है इसमें एक आ गया कोकरो नदी ये कोकरो नदी है और इसके पहले कोकरो नदी जब मिलती है उसके पहले ही है इस पर वाटरफॉल जोना वाटरफॉल सीता वाटरफॉल ओके फिर यहां पर कांची नदी आकर इसे मिलती है इस कांची नदी में एक वाटरफॉल है जिसको बोलते हैं दसम वाटरफॉल ओके ये सभी कहा हो रहा है ये सभी रांची में ही हो रहा है क्लियर ये सभी रांची में ही आप देख रहे हैं तो राडू नदी का याद रहेगा उसके बाद कांची नदी ओरिजिन क्या है रांची है मोहाना क्या हो जाएगा इसका मोहाना राडू है स्वर्णरेखा के ठीक पहले ये राडू से मिल जाती है इसलिए अगर राडू इसका मुहाना नहीं मिले आपको तो सोनरेखा आंसर कर देना है ठीक है अब इसमें जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हो गए सोनरेखा पर हंड्रू फॉल हो गया जोना राडू पर है सीता राडू पर है दसम कांची पर हो गया ठीक है अब करकरी नदी करकरी नदी और एक आता है खरखई नदी दोनों का नाम एक जैसा लगता है लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है करकरी नदी जो है ये रांची से निकल कर आती है है ना करकरी नदी जो है ये रांची से निकल कर आती है और सरायकेला खरसावा में ये मिल जाती है सोनरेखा नदी से जबकि खरखई नदी जो है ये उड़ीसा से निकल कर आती है पश्चिम सिंहभूम होते हुए सरायकेला खरसावा जाती है फिर पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर में ये मिल जाती है सोनरेखा नदी से ये क्या हो गया ये खरखई नदी हो गया तो दोनों में अंतर है ओके और सोनरेखा की सबसे बड़ी सहायक नदी है खरखई ओवरऑल जब बाई और दाई सहायक नदियों को मिला दें तो ओवरऑल कौन सी नदी है सबसे बड़ी खरखई नदी इसकी सहायक नदियों में ओके अब इसकी बाई और की जो सहायक नदियां कम नदी है एक तो आपने देखा यहां पर जुमार है ओके फिर एक आएगा बाई और से आने वाली ज़्यादा कर नदियां जैसे कि डोलुंग है गुदरू है एक बमनी है ये सभी जो है पश्चिम बंगाल से आती है तो सबसे बड़ी जो सहायक नदी है बाई और की वो है डोलुंग नदी ओके या बमनी है बमनी नदी है ठीक ना मिनट यहां पर जो है पहले आता है बमनी फिर आता है, डु, डुलूंग। डुलूंग है सबसे बड़ी बाई और की सहायक नदी है डुलुंग ओके चलिए यहां पर अब देखते हैं करकरी नदी जो है करकरी नदी इसका ओरिजिन रांची है रांची से सरायकेला खरसावा जाती है सरायकेला खरसावा में ये सोनरेखा नदी से मिल जाती है बमनी पश्चिम बंगाल से आती है बाई और से जो है ये सोनरेखा की सहायक नदी है उसके बाद डुल नदी है पश्चिम बंगाल से निकलकर पश्चिम बंगाल में ही ये बाई ओर से स्वर्णरेखा नदी में मिल जाती है ओके गुद्रू भी वैसा ही है उसके बाद खरखई है खरखई जो है ये उड़ीसा के मयूरभंज से निकलती है ओके और ये पश्चिम सिंहभूम होते हुए एंटर करती है पश्चिम सिंहभूम से सरायकेला खरसावा जाती है फिर पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर के पास जहां बोला जाता है दो मुहानी वहां पर यह मिल जाती है किससे सोनरेखा नदी से ओके यह हो गया फिर हरमो नदी हरमो नदी रांची से ही निकलकर रांची में ही स्वर्णरेखा नदी से मिल जाती है इसके अलावा रोरू नदी है संजय नदी है डोरंडा नदी है ये सभी स्वर्णरेखा की सहायक नदी बस याद कर लीजिए ओके ये हो गया आपका स्वर्णरेखा नदी इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तरी कोयल औरंगा अमानत ये सब देखेंगे तो एक बार देख लेते हैं फिर मैप में आपको बताया जाएगा उत्तरी कोयल जो है इसका ओरिजिन है गुमला गुमला के चैनपुर से ये निकलती है पाठ क्षेत्र भी आप कह सकते हैं ओके प्रवाह क्या क्या हो जाएगा गुमला से निकल कर ये जाती है लातेहार फिर पलामू उसके बाद गढ़वा गढ़वा से वापस पलामू आती है और पलामू में यह सोन नदी से मिल जाती है मतलब इसका जो मुहाना है वो क्या है वो सोन नदी है इसकी कुल लंबाई है टू सिक्सटी किलोमीटर ओके ये क्या हो गया उत्तरी कोयल अब उत्तरी कोयल की कुछ सहायक नदियां हैं उसमें महत्वपूर्ण है औरंगा नदी औरंगा नदी लोहरदगा से निकलती है जिसको आप रांची पठार भी कह सकते हैं लोहरदगा से निकल कर ये लातेहार जाती है लातेहार से फिर पलामू जाती है पलामू में केचकी संगम है जो कि ये जो है लातेहार और पलामू के बॉर्डर के पास है ओके तो ये जो केचकी संगम है लातेहार पलामू के बॉर्डर के पास है लेकिन एग्जैक्टली पलामू में है तो वहीं पर यह उत्तरी कोयल से मिल जाती है ओके इसके बाद अमानत नदी है अमानत नदी जो है ये चतरा से निकलती है चतरा में सिमरिया से जिसको आप हजारीबाग पठार भी कह सकते हैं तो अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया रहेगा तो पठार दिया रहेगा तो आप याद रखिएगा हजारीबाग पठार हजारीबाग पठार से निकल कर ये जो है पलामू जाती है पलामू में उत्तरी कोयल से मिल जाती है ये कौन सी नदी हो गई अमानत नदी ओके तो इसका प्रवाह क्या हो जाएगा चतरा और पलामू हो जाएगा मुहाना क्या हो गया उत्तरी कोयल कहाँ मिलती है उत्तरी कोयल में पलामू में पलामू में कहाँ मेदिनीनगर ओके और अमानत की कुछ सहायक नदियां जैसे कि भोंगा गरसुती चाको मैला जिंजोई ये सभी क्या है ये सभी अमानत की सहायक नदियां जिसका ओरिजिन पलामू से ही होता है ओके जिसका ओरिजिन पलामू से ही होता है एक लातेहार से महत्वपूर्ण नदी निकलती जिसको बोलते हैं बूढ़ा नदी तो ये जो बूढ़ा नदी है लातेहार से निकल लातेहार में ही उत्तरी कोयल से मिल जाती है इसी नदी पर झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जिसकी ऊंचाई है 143 मीटर मीटर। ओके। उत्तरी कोयल जिस नदी से मिलती है, वो कौन सी नदी है सोन नदी सोन नदी जो है इसका ओरिजिन कहां से होता है मैकाल पर्वत मैकाल पर्वत अब यहां पर समझिए ये जो है विंध्याचल श्रेणी का जो अमरकंटक पर्वत है वहीं से इसका अमरकंटक जो है विंध्याचल श्रेणी हो गया श्रेणी क्या है विंध्याचल तो वहीं पर विंध्याचल श्रेणी का पर्वत है मैकाल ठीक ना ये एग्जैक्ट क्या हो गया मैकाल पर्वत लेकिन अमरकंटक भी आप देखते होंगे तो अमरकंटक इसलिए रहता है ये नियर बोला जाता है एग्जैक्टली अमरकंटक नहीं है ये अमरकंटक के पास है मैकाल पर्वत एग्जैक्टली कहा है मैकाल पर्वत जो कि अमरकंटक के पास है और ओवरऑल ये किस रेंज में आता है किस पर्वत श्रृंखला में आता है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में आता है ओके okay, अब ये जो आप देखेंगे जहां पर इसका ओरिजिन होता है ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाउंड्री पर आता है लेकिन एग्जैक्टली ये छत्तीसगढ़ में है जो एरिया है वो अभी छत्तीसगढ़ में है ओके okay, तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश झारखंड और बिहार है ओके okay, मुहाना क्या है ये पटना में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है इसकी लंबाई 784 किलोमीटर है झारखंड में इसकी लंबाई 45 किलोमीटर है झारखंड में इसका जो प्रवाह है ये गढ़वा और पलामू है ओके इसके लिए आप याद रखेंगे कि ये यूपी और झारखंड बिहार और झारखंड के बीच बाउंड्री बनाती है ओके उसी तरह से क्या है कान्हर नदी कान्हर का जो ओरिजिन होता है ये जसपुर में होता है छत्तीसगढ़ का ये एक एरिया है और ये यूपी में जाकर सोन नदी से मिल जाती है जिस तरह से सोन नदी झारखंड बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश के बीच बाउंड्री बना रही थी उसी तरह से ये जो कान्हा नदी है झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच बाउंड्री बनाती है ओके इसमें कुछ वाटरफॉल भी हैं निकट में सुखलदारी वाटरफॉल हो गया ये इसी पर है गुरु सिंधु वाटरफॉल हो गया ये सभी है गढ़वा में इसी कान्हा नदी पे ही आता है ठीक है हम लोगों ने अभी जितना पढ़ा इसी को देखते हैं मैप में ओके इसी को आप देख लेते हैं मैप में ये स्वर्णरेखा नदी के बाद वाला हो गया था उत्तरी कोयल से बताना था ना देखिए इसको मैप में समझना जरूरी है उत्तरी कोयल जो है ये कहां से निकलती है गुमला से निकलती है ओके गुमला से निकलती है गुमला से निकलने के बाद ये लोहरदगा जाती है लोहरदगा से लातेहार फिर पलामू, उसके बाद गढ़वा और पलामू के बीच ये बाउंड्री बनाती है गढ़वा पूरी तरह से ये एंटर नहीं करती है है ना पूरी तरह से ये एंटर नहीं करती है उसके बाद क्या होता है वापस ये पलामू आती है और फिर ये पलामू में सोन नदी से जाकर ये मिल जाती है ये जो है सोन नदी से जाकर मिल जाती है ओके ये क्या हो गया ये हो गया उत्तरी कोयल अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदियां हैं इसको हम लोग समझते हैं ठीक है सबसे पहले औरंगा नदी तो औरंगा नदी जो है इसका ओरिजिन कहां से होता है औरंगा नदी का ओरिजिन होता है लोहरदगा से ओके लोहरदगा से इसका ओरिजिन हो गया लोहरदगा से निकलने के बाद इसका प्रवाह होता है लातेहार में उसके बाद लातेहार पलामू के बीच इन बौ, इस बाउंड्री पर ही एक संगम है केचकी संगम बोला जाता है जहां पर यह उत्तरी कोयल से मिल जाती है तो ये जो केचकी संगम है ये पलामू और लातेहार ये बाउंड्री पर ही है इसकी लंबाई जो है औरंगा नदी इसकी लंबाई है अस्सी किलोमीटर ओके और औरंगा नदी के बाई और है पुराना पलामू किला और नया पलामू किला ये इसके बाई और है औरंगा नदी के बाई और ठीक है इसके बाद अमानत नदी अमानत नदी जो है चतरा से निकल कर आती है चतरा से निकलने के बाद ये जो है पलामू में मिल जाती है किससे उत्तरी कोयल से ओके ये क्या हो गया अमानत हो गया ये भी और ये ऐसे हो गया औरंग औरंग नदी ओके ये हो गया अब मैंने कुछ नाम बताया था अमानत की सहायक नदियों में जिसमें भोंगा था गरसूती था चाको मैला झंझोई ये सब नदियां थी तो ये सब जो नदी है इसको आप यहां पर रफ में समझ लीजिए अमानत नदी की बात हो रही है ना तो अमानत जो है भोंगा नदी इस तरह से है घरसूती ये बाई ओर से जाती है ओके okay. फिर चाको नदी हो गया मैला नदी हो गया जिंजोई नदी हो गया ये सभी पलामू में ही निकलती है और पलामू में ही ये अमानत नदी से मिल जाती है ओके okay. फिर एक आता है बूढ़ा नदी तो बूढ़ा नदी जो है ये कहां से निकलती है लातेहार से और लातेहार में ही ये जो है मिल जाती है किससे उत्तरी कोयल से मिल जाती है क्लियर तो ये जो आपने देखा ये क्या था ये था उत्तरी कोयल ओके okay, अब देखते हैं यहां पर जो सोन नदी है तो सोन नदी ये इधर से आ रही है छत्तीसगढ़ से महकाल पर्वत से जो कि अमरकंटक के नजदीक है विंध्याचल श्रेणी में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड ये इसका प्रवाह क्षेत्र है ओके और एक मैंने बताया आपको कान्हा नदी तो जो कान्हा नदी है ये गढ़वा से निकलकर ये छत्तीसगढ़ से निकलकर गढ़वा में बहती है छत्तीसगढ़ झारखंड के बीच बाउंड्री बनाते हुए और उत्तर प्रदेश में ये मिल जाती है किससे सोन नदी से ओके okay. ये हो गया कान्हा नदी इसके बाद देखते हैं हम लोग दामोदर नदी को इसके बाद दामोदर नदी को देखते हैं ठीक है तो दामोदर जो है ये झारखंड की सबसे बड़ी नदी है सबसे लंबी नदी है सबसे प्रदूषित नदी है ओके okay. और इसे झारखंड का शोक बंगाल का शोक भी कहा जाता है तो जब डी का निर्माण नहीं हुआ था उस समय ऐसा था बरसात के समय बंगाल और झारखंड के एरिया में खासकर झारखंड का वो एरिया जो बंगाल के नज़दीक है बहुत ही ज़्यादा इस नदी कारण बाढ़ आता था है ना तो उसी को कंट्रोल करने के लिए डी का निर्माण किया गया था और भी बहुत सारे पर्पज़ थे तो डी बनने के बाद अब बाढ़ नहीं आता है लेकिन ये नाम पहले से चला आ रहा है तो ये है झारखंड का शोक बंगाल का शोक इसीलिए कहते हैं इस नदी को देव नदी भी कहा जाता है इसकी कुल लंबाई कुल लंबाई कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है लातेहार से निकलती है लातेहार फिर रांची चतरा हजारीबाग रामगढ़ बोकारो धनबाद पश्चिम बंगाल ये इसका एरिया है ना पश्चिम बंगाल में ये हुगली से जाकर मिल जाती है तो ये पूरा का पूरा जो लंबाई है वो कितना है फाइव नाइन्टी टू किलोमीटर लेकिन लातेहार से आप ये जो धनबाद और बोकारो के बाउंड्री तक ये बहती है ना तो वहां तक का अगर आप लेंथ देखेंगे मतलब झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है तो टू नाइन्टी किलोमीटर है ओके इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इसको आप ऐसे समझिए आपको पठार पढ़ाया गया अच्छे से है ना ये जो है रांची पठार है हजारीबाग पठार है ठीक है तो हजारीबाग पठार भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुआ है ना उत्तरी है बाहरी है इस तरह से है तो इन दोनों को दामोदर नदी डिवाइड करती है यह आपको याद रखना है दूसरा ये कि झारखंड में जितना भी कोयला मिलता है सर्वाधिक कोयला इसी नदी क्षेत्र में है इसी नदी क्षेत्र में है ओके ये आपको ध्यान में रखना है कोयला जब आपको पढ़ाया गया था उसमें पांच नदी क्षेत्र की चर्चा की गई थी उसमें बराकर भी शामिल था दामोदर भी शामिल था तो सबसे ज्यादा दामोदर क्षेत्र में ही कोयला पाया जाता है ओके अब यहां पर देखते हैं इसका जो ओरिजिन है वो लातेहार है लातेहार का टोरी परगना लातेहार का टोरी परगना आपको याद होगा जब भी रिजल्ट डायनेस्टी पढ़ाया जाता है तो इस टोरी का जिक्र होता है बार बार कभी ये नागवंश के अधीन रहा है कभी ये चेरो वंश के अधीन रहा है टोली क्षेत्र जो है तो ये कहा है लातेहार में ओके लातेहार से निकल कर ये चतरा हजारी के बीच हजारीबाग के बीच बाउंड्री बनाती है इसको यहां पर देखते हैं देखिए किस तरह से इसका फ्लो होता है ये लातेहार से निकलकर लातेहार से निकलकर चतरा हजार चतरा रांची हजारीबाग नहीं चतरा रांची के बीच बाउंड्री बनाते हुए हजारीबाग प्रवेश करती है उसके बाद रामगढ़ फिर बोकारो और धनबाद बोकारो के बीच ये बाउंड्री बनाती है उसके बाद यहां पर क्या है यहां पर पंचित डैम है पंचित डैम के जस्ट बाद जो जो है ये पश्चिम बंगाल जाती है उसी तरह से यहां पर बराकर के लिए हम लोग देखेंगे कि बराकर का जो उद्गम स्थल है वो हजारीबाग है हजारीबाग से कोडरमा कोडरमा से फिर ये गिरिडीह गिरिडीह से ये जो है गिरिडीह धनबाद के बीच बाउंड्री बनाते हुए उसके बाद जामताड़ा और धनबाद के बीच बाउंड्री बनाते हुए ठीक है यहां पर क्या है मैथन डैम है मैथन डैम झारखंड के धनबाद और जामताड़ा में है और पश्चिम बंगाल का भी एरिया इसमें आ जाता है इसके तुरंत बाद जो है ये मिल जाती है किससे दामोदर नदी से बराकर जो है दामोदर से मिल जाती है ओके उसके बाद ये जो दामोदर ये हुगली नदी से मिल जाती है ये इसका प्रवाह क्षेत्र हो गया ओके तो यही यहां पर लिखा हुआ है इसका प्रवाह लातेहार चतरा रांची हजारीबाग रामगढ़ बोकारो धनबाद आगे देखते हैं आगे क्या है इस, इसकी जो सहायक नदियां हैं इसमें क्या क्या आ जाएगा भेड़ा कुनार खांजो जोरिया जमुनिया गरगा कतरी बराकर अब इन सभी को बारी बारी हम लोग देखते हैं ठीक है देखिए भेड़ा नदी भेड़ा नदी को भैरवी नदी के नाम से भी जाना जाता है ओके रांची का जो गेतलसुद डैम है उसी के पास इसका ओरिजिन होता है और रांची से फिर रामगढ़ जाती है रामगढ़ में ये दामोदर से मिल जाती है रामगढ़ में दामोदर से जो है ये मिल जाती है इस तरह से है ये कुछ ज्यादा ही दूर चला गया है ये नजदीक होगा और रांची का ये जो दामोदर मैंने दर्शाया है तो रांची से निकल कर आपको याद होगा कि जो गेतल सूद है ये ज्यादा दूर नहीं है बाउंड्री से है ना ये हो गया भैरवी नदी अब ये जो भैरवी नदी है इन दोनों के संगम स्थल पर छिन्नमस्तिका मंदिर है ओके रजरप्पा में इन दोनों का संगम होता है भैरवी नदी और दामोदर का और भैरवी जो है दामोदर में एक वाटरफॉल बनाते हुए मिलती जिसको बोलते हैं रजरप्पा वाटरफॉल ठीक है तो ये वाटरफॉल बनाते हुए ही मिलती है ओके उसके बाद कुनार नदी है कुनार नदी जो है ये हजारीबाग से निकलती है हजारीबाग से निकलकर ये बोकारो जाती है हजारीबाग से निकल कर ये बोकारो जाती है बोकारो में यह मिलती है दामोदर से ये क्या हो गया ये कुनार नदी हो गया ओके अब यहां पर आप याद रखिएगा जैसे ये कुनार है ये कुनार है ये क्या हो गया दामोदर है ये कुनार है कुनार की दो सहायक नदियां हैं एक जो है बोकारो है और एक शिवानी है बोकारो और शिवानी ओके बोकारो और शिवानी ये किसकी सहायक नदियां हैं ये कोनार की सहायक नदियां हैं और इसी कोना ये जो कोनार है बी टी पी एस बोकारो थर्मल पावर प्लांट जो है पावर स्टेशन उसी के बगल से होते हुए ये जाती है ओके okay, तो ये हो गया कोनार जो कि दामोदर से मिलती है ओके okay, फिर एक आता है खांजो नदी खांजो नदी क्या है बोकारो से निकलती है और बोकारो में ही ये मिल जाती है किससे दामोदर से फिर एक आता है जोरिया नदी जोरिया भी बोकारो से निकलती है और बोकारो में ही ये दामोदर से मिल जाती है अब यहाँ पर आपको एक चीज समझना है कि जो ये क्या हो गया दामोदर नदी ये दामोदर हो गया ठीक है ये मैंने बताया आपको अभी कोनार कोनार में दो सहायक नदियां हैं बोकारो इधर होगा और सिवानी इधर होगा ये कोनार हो गया यहाँ बीटी पी हो गया ओके उसके बाद क्या है ये खांझो नदी है ये खांझो नदी है फिर यहां पर क्या है ये जोरिया नदी है तो जोरिया नदी जब दामोदर से मिलती है तो ये जो संगम स्थल है इसी के पास हथिया मेला लगता है हथिया मेला आप जानते हैं ना एक पत्थर है हाथी के आकार का वहां पर हथिया बाबा मंदिर है हथिया मेला लगता है मतलब ये कौन सा एरिया है ये जो है खुसरो वाला एरिया है ये जो है खुसरो वाला एरिया है ठीक है तो देखिए क्या क्या हो गया क्लियर भेड़ा नदी ये बता गया बता दिया गया है रांची में इसका ओरिजिन होता है गेदल डैम के पास दामोदर में मिलती है रजरप्पा के पास रामगढ़ में चिनमस्तिका मंदिर इसी दोनों नदी के संगम स्थल पर है कोनार नदी जो है ये हजारीबाग से निकलती है हजारीबाग से निकलकर बोकारो में ये दामोदर से मिल जाती है कोनार की दो सहायक नदियां हैं बोकारो और सिवानी बोकारो जो है एक नदी का नाम है इस नदी के किनारे बोकारो है इसलिए बोकारो नाम पड़ा है नदी के कारण ओके फिर क्या है खांजो नदी बोकारो में बोकारो से निकलती है बोकारो में ही ये दामोदर से मिल जाती है जोरिया नदी जोरिया भी बोकारो से ही निकलती है बोकारो में ये दामोदर से मिल जाती है और इसी जोरिया दामोदर के संगम स्थल पर हतिया मेला का आयोजन होता है ओके फिर जमुनिया नदी है जमुनिया जो है ये हजारीबाग से निकलती है जमुनिया हजारीबाग से निकलती है हजारीबाग से निकल कर गिरिडीह बोकारो और धनबाद इन क्षेत्रों में प्रवाह इसका है और फाइनली ये जो है दामोदर में मिलती है धनबाद और बोकारो के बीच जो तिलमचू है बाउंड्री पर ही है लेकिन एग्जैक्टली exactly ये धनबाद में ही आएगा ओके okay, ये जो है धनबाद में आएगा इसको यहां पर समझिए ये इसके बाद आएगा ना ये जो है इसके बाद जमुनिया आता है इसके बाद जमुनिया आता है इसको मैप में देखिए तो जो है आप यहां समझिए जमुनिया का ओरिजिन कहां से होता है हजारीबाग हजारीबाग का विष्णुगढ़ एरिया है हजारीबाग से ये जो है गिरिडीह जाती है ओके okay, गिरिडीह गिरिडीह के बाद जो है ये बोकारो जाती है बोकारो के बाद ये धनबाद और बोकारो के पास जो है बाउंड्री के पास है ना बाउंड्री के पास ये मिल जाती है दामोदर से ये समझ गए आप फिर से बताना होगा लग रहा है हजारीबाग से निकलती है गिरी जाती है और धनबाद में जो है बोकारो धनबाद के बाउंड्री पर बहती है मेनली है, इस इस तरह से. ओके, इस तरह से। से ओके, इसका प्रवाह अब ये जो आपने इसका संगम स्थल देखा इसको बोलते हैं तेलमचो, जो गोमो शहर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन है ना गोमो शहर इसी एरिया में इसी शहर में तिलमेचो में तो ये आता है धनबाद में और यहाँ पर बहुत सारी नदियों का संगम होता है बहुत सारी नदियां दामोदर में आकर मिलती हैं ये जो एरिया है तिलमचो ठीक है तो ये क्या हो गया जमुनिया हो गया ओके इसके बाद गरगा नदी है गरगा बोकारो से निकलती है और बोकारो से निकलकर तिलमेचो में मिल जाती है दामोदर से कतरी जो है ये धनबाद से निकलकर कहा मिलती है धनबाद में ही दामोदर से और यहां पर एक चीज समझिए ये क्या हो गया ये गर्गा हो गया ना ये गर्गा हो गया बोकारो से निकलकर दामोदर में मिल जाती है ओके फिर जो कतरी नदी है ये धनबाद से निकलती है मैप यहां पर ये कुछ ज्यादा ही हो गया ना थोड़ा क्लियर कर लेते हैं ये हो गया आपका दामोदर नदी ओके उसके बाद जो कतरी है ये धनबाद से निकलकर धनबाद में ही ये मिल जाती है किससे ये मिल जाती है दामोदर से अब यहां पर आपको समझना है कि जब कतरी नदी दामोदर में मिलती है तो इसके जस्ट पहले एक वाटरफॉल इस पर बनता है जिसको बोलते हैं भटिंडा वाटरफॉल क्या बोलते हैं इसको भटिंडा वाटरफॉल लेकिन दामोदर के जस्ट पहले यह वाटरफॉल बनता है ओके ऐसा नहीं कि वाटरफॉल बनाते हुए मिल रही है जस्ट पहले है तो कतरी ना देख करके आप ऑप्शन में देखेंगे दामोदर तो अगर दामोदर रहेगा तो आंसर कर दीजिएगा कतरी मिल गया तो कतरी आंसर करना है ठीक है तो ये एक वाटरफॉल है भटिंडा वाटरफॉल कतरी पर बनती है दामोदर के नजदीक मुनिडी एरिया मुनिडी आप जानते हैं कि जो कोल बेड मिथेन है तो मुनिडी इसके लिए फेमस है धनबाद में पूरे भारत पूरे भारत का एक मुनिडी है दूसरा सुदाम डी है धनबाद में ही है ये दोनों और यही दोनों जो है इसका माइनिंग होता है कोल बेड मिथेन का ठीक है ये हो गया नदी तो चाचे के पास इसका ओरिजिन होता है इसके बाद है बराकर नदी बराकर जो है हजारीबाग से निकलती है पदमा के क्षेत्र से हजारीबाग कोडरमा गिरिडीह धनबाद जामताड़ा ये इसका एरिया हो गया 225 किलोमीटर इसकी लंबाई है मैथन डेम बनाते हुए ये जो है दामोदर में मिल जाती है पश्चिम बंगाल में आसनसोल में ओके इसकी सहायक नदियां हैं बरसोती इरगा काको उसरी खुदिया नदी ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। ओके, बरसोती नदी जो है इसका ओरिजिन कहां है हजारीबाग हजारीबाग से निकलकर कोडरमा जाती है ओके और वापस से हजारीबाग आती है हजारीबाग में ये बराकर से मिल जाती है फिर इरगा नदी है इरगा नदी जो है ये गिरिडीह से निकलकर गिरिडीह में ही ये बराकर नदी से मिल जाती है ओके काको नदी गिरिडीह से निकलकर गिरिडीह में ही मिल जाती है उसरी भी वैसे ही है ग्रिडिस से निकल गिर ग्रिड, में ही बराकर में मिल जाती है खुदिया नदी जो है ये धनबाद से निकलती है गोविंदपुर के क्षेत्र में बहती है और धनबाद में ही ये बराकर से मिल जाती है गोविंदपुर के पास ओके ये हो गया अब यहां पर इसको हम लोग समझ लेते हैं मैप में तो समझते हैं ये क्या था यह है दामोदर ओके और यह है बोकार बराकर हो गया कोडरमा गिरिडीह धनबाद जामताड़ा इस तरह से यहां पर मैथन डैम बना अब यहां पर समझिए एक कंसेप्ट है यहां पर जब मैथन डैम का निर्माण होता है इसके बाद ये दो मुख्य धारा बहती है बराकर नदी जो है दो मुख्य धारा बहती है एक धारा जो है ये जस्ट पंचेत के बाद है ना पंचेत के बाद जो है ये मिलती है एक ये धारा हो गया और दूसरा धारा ये हो गया तो एक धारा जो है ये मिलती है लपसन गांव में और एक धारा जो है ये मिलती है डिसेरगढ़ में ये दोनों ही आसनसोल के एरिया में आएगा ठीक है इन दोनों धारा के कारण इसमें एक टापू का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं गंगटीकूली घाटी गंगटीकूली घाटी जो है ये बराकर और दामोदर के कारण बनता है ये जो है पंचेत डैम है और ये मैथन डैम है मैथन डैम धनबाद और जामताड़ा दो डिस्ट्रिक्ट में है उसी तरह से पंचेत जो है ये बोकारो धनबाद को कवर करता है ओके ये हो गया अब इसमें जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं इन सभी को एक एक करके हम लोग देखेंगे ठीक है यहां पर यह बताया गया था इसको यहां पर देखिए ये क्या हो गया बराकर हो गया ये बराकर नदी है हजारीबाग से निकलती है यहां पर तिलैया डैम हो गया जो कि कोडरमा में है ओके एक नदी इसमें आती है मरकचो नदी मरकचो नदी जो है कोडरमा में है कोडरमा से निकलकर कोडरमा में ही मिल जाती है फिर एक बरसोती नदी है बरसोती जो है ये हजारीबाग से निकलकर कोडरमा फिर हजारीबाग में फाइनली ये मिल जाती है किससे बराकर नदी से ओके ये हो गया फिर इरगा नदी जो है ये गिरिडीह से निकल कर आती है और गिरिडीह में ही ये मिल जाती है बराकर नदी से उसके बाद इरगा नदी के बाद जो है काको नदी ये भी गिरिडीह में ही मिलती है फिर उसरी नदी उसरी वाटरफॉल एक बनता है इसी नदी पर है उसरी नदी पर और इसका जो ओरिजिन है ये गिरिडीह का खंडोली पहाड़ है और गिरिडीह जो मुख्य शहर है वो इसी नदी पर है ठीक है उसी नदी के बाद जो है खोदिया नदी इस पर आकर मिलती है और इसके जस्ट बाद मैथान डेम बनता है और फिर ये पश्चिम बंगाल चली जाती है फिर जो है ये पश्चिम बंगाल चली जाती है क्लियर ये हो गया इसके बाद देखते हैं इसके बाद है अजय नदी अजय नदी का जो ओरिजिन है आपने बहुत जगह पढ़ा होगा मुंगेर लिखा रहा था मुंगेर इसका ओरिजिन नहीं है इसका ओरिजिन है जमुई बिहार का जमुई बिहार के जमुई से यह निकलती है ओके जमुई में जो है एक पहाड़ है जिसको बोलते हैं बाट पहाड़ बाट पहाड़ से इसका ओरिजिन होता है उसके बाद देवघर फिर जामताड़ा फिर पश्चिम बंगाल ये चली जाती है तो इसका ओरिजिन इसका प्रवाह जो है वो बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल में है बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल में ओके ये अजय नदी है ठीक है अब इसमें कुछ नदियों का जो संगम है इसको देखिए एक जयंती नदी है एक पत्रो नदी है जयंती हजारीबाग से निकल कर आती है हजारीबाग गिरिडीह देवघर में फाइनली ये मिल जाती है अजय नदी से पथरों गिरिडी से निकल कर आती है और देवघर में ये मिल जाती है अजय नदी से ठीक है अब यहां पर आप समझिए कि जो अजय नदी है जैसे अच्छा यहां पर आपने एक चीज देखा नोटिस किया यहां पर मैंने लिखा है कि अजय नदी का जो मुहाना है वो हुगली नहीं है वो भागीरथी है आपने बहुत जगह देखा होगा हुगली लिखा रहता है हुगली और भागीरथी अलग अलग है ठीक है ये क्या है पहले इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं तब आगे मैं बताता हूं देखिए मैं ये भारत का मैप हो गया गंगा नदी जो है गंगा नदी जब बहकर पश्चिम बंगाल जाती है है ना? जब पश्चिम बंगाल जाती है तो उसके बाद क्या होता है उसके बाद क्या होता है बांग्लादेश जाने से पहले एक फरक्का बैराज है बैराज फरक्का बैराज क्या है ये डिस्ट्रीब्यूटर है मतलब गंगा के पानी को डिवाइड करती है ओके गंगा के पानी को जो है ये डिवाइड करती है ये गंगा नदी है यहां पर आ गया फरक्का बैरेज। का बैरेज ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटर है अब इससे गंगा को दो धाराओं में बांटा जाता है एक है भागीरथी और दूसरा है पद्मा। पद्मा और भागीरथी ओके okay. इन दो धाराओं में इसको बांटा जाता है पद्मा ये चला गया बांग्लादेश गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं पद्मा बोलते हैं ओके okay. अब इसमें ये जो भागीरथी नदी है इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसको बोलते हैं जलंगी नदी जलंगी नदी जब इसमें आकर मिलती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है ये कौन सी नदी है ये है जलंगी नदी ओके okay. जब इस इन दो नदियों का जब संगम होता है तो ये भागीरथी अब नहीं कहलाती है अब ये कहलाती है हुगली नदी ये नदी जो है इसको क्या बोलेंगे हुगली नदी बस इतना ही अंतर है हुगली आप बोलेंगे तो आप समझ जाइए कि जलंगी भागीरथी के बाद का पोर्शन है भागीरथी बोला जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ जलंगी के मिलने के पहले का पोर्शन है ओके तो जो दामोदर नदी है दामोदर में आपने हमेशा पढ़ा हुगली से मिलती है तो ऐसा इसलिए क्योंकि दामोदर जो है जलंगी के बाद मिलती है मिलता है दामोदर जो है स्त्रीलिंग में नहीं आता है पुलिंग है तो मैं मैं बता रहा था कि जो दामोदर है ये हुगली में मिल, मिलता है उसके पहले अजय नदी अजय नदी ये जलंगी के पहले ही इस पर मिल जाती है ये अजय नदी है इसलिए मैंने कहा अजय का जो मुहाना है वो भागीरथी है उसी तरह से मयूराक्षी नदी भी है मयूराक्षी जो है ये भी जलंगी के पहले ही मिलती है इस नदी पर इसलिए भागीरथी बोला जाता है अब भागीरथी नहीं रहेगा तो उगली आंसर कर सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली क्या है भागीरथी होना चाहिए ठीक है ये कंसेप्ट था तो अजय नदी आप यहां पर समझिए अजय नदी देखिए ये जो है यहां से इसका ओरिजिन हो रहा है दामोदर जामताड़ ये देवघर जामताड़ा और उसके बाद पश्चिम बंगाल ठीक है फिर क्या हो रहा है एक नदी हजारीबाग से आ रही है हजारीबाग से गिरिडीह फिर देवघर और एक नदी गिरिडीह से आकर ये देवघर मिल रही है तो ये जयंती हो गया और ये पत्थरों हो गया ओके ये जयंती हो गया और पथरो हो गया अब यहां पर आपको चीज समझना है कि जो अजय नदी है यह पश्चिम बंगाल जाती है जामताड़ा से वापस जामताड़ा आती है फिर जाती है पश्चिम बंगाल तो दो बार जो है इस तरह से अप डाउन होता है ठीक है कुल लंबाई इसकी जो है अजय नदी का कितना है दो किलोमीटर है यह यहां पर लिखा हुआ नहीं दो किलोमीटर है अजय नदी का कुल लंबाई सभी नदियों की लंबाई इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है यह हो गया उसके बाद ये जयंती मैंने बताया पत्थरों भी हो गया है ओके इसके बाद एक नदी है द्वारका जिसको बाबला नदी के नाम से भी जाना जाता है ये दुमका से निकलती है और भागीरथी मिल जाती है इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हुआ दुमका से निकल रही है और ये भागीरथी में मिल जा रही है ना इस तरह से और यहां पर जब इसमें जलंगी नदी मिलेगी तब ये क्या कहलाएगा ये होगली कहलाएगा ठीक है ये क्या हो गया ये ये हो गया बाबला नदी ठीक है ये दुमका से ही निकलती है इस एरिया में ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इस एरिया में जितनी भी नदियों का उद्गम होता है ये मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में जाकर बहती है मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में जाकर बहती है ओके इसके बाद देखते हैं हम लोग मयूराक्षी नदी मयूराक्षी नदी जो है ये देवघर के त्रिकुट पहाड़ से निकलती है और देवघर से दुमका जाती है फिर ये पश्चिम बंगाल चली जाती है पश्चिम बंगाल में ये जो है भागीरथी से मिल जाती है ओके okay, तो यहां पर इसको समझिए कि जो मयूराक्षी नदी है ये देवघर से निकलती है देवघर से निकलने के बाद दुमका जाती है और फिर दुमका से होते हुए ये मिल जाती है भागीरथी भागीरथी या हुगली एक ही इस तरह से समझिए कि जल के पहले वाला पोर्शन भागीरथी है ओके मयूराक्षी की कुल लंबाई है 250 किलोमीटर मयूराक्षी की कुल लंबाई 250 किलोमीटर है जिसको मोर या मोतिहारी नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसी नदी के किनारे इसी नदी के किनारे हिजला मेला का आयोजन होता है जो बासुकी नाथ तीर्थस्थल है दुमका में वो इसी नदी के किनारे ही है ओके इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं जैसे कि एक है नूनबिल नदी नूनबिल नदी दुमका से ही निकलती दुमका में ही मिल जाती है नूनबिल नदी पर एक गर्म जल कुंड है दुमका दुमका में। ओके, एक ब्राह्मणी नदी है ब्राह्मणी नदी जो है ये दुमका से निकलती है दुधवा पहाड़ से और ये पश्चिम बंगाल में हुगली से मिलती है अच्छा मयूराक्षी की सहायक नदियों में यहां पर देखिए एक मैंने बताया यहां पर नूनबिल ओके नूनबिल हो गया है फिर एक है भुरभुरी नदी भुरभुरी नदी में एक गर्म जल okay. जाती है वापस गुमला फिर सिमडेगा फिर उड़ीसा दक्षिण कोयल रांची लोहरदगा गुमला सिमडेगा खूंटी पश्चिम सिंहभूम होते हुए उड़ीसा में संख नदी से मिलती है इन दोनों के संगम संयुक्त धारा को ब्राह्मणी कहते हैं एक वो ब्राह्मणी था लेकिन झारखंड में उसका भाव नहीं था एक ये ब्राह्मणी है जो कि दूध पहाड़ दुमका से निकल रही है और फिर पश्चिम बंगाल चली जाती है जहां पर इसका मिलन किससे होता है भागीरथी से होता है और इसकी दो सहायक नदियां एक गुमरो और दूसरा एरो नदी ये आप याद रखिएगा इसको मैप में बताने की जरूरत नहीं है दुमका से डायरेक्ट ये पश्चिम बंगाल चली जा रही है ओके ये क्या हो गया ब्राह्मणी नदी हो गया ठीक है अब यहां पर जो नॉर्थ साइड की नदियां हैं इसको समझते हैं ठीक है इसको समझते हैं यहां पर क्या है देखिए निरंजना और मोहान नदी इन दोनों को समझने से पहले फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सिर्फ पढ़कर इसको समझ नहीं पाएंगे देखिए एक नदी जो है चतरा से निकल कर जाती है यहां पर मैप मैं ले लेता हूं इसको यहां देखिए एक नदी जो है वो चतरा से निकल कर जाती है ओके ये कौन सी नदी है इसको बोलते निरंजना या फिर लीलाजन नदी ओके एक नदी आती है हजारीबाग से हजारीबाग से चतरा वापस से हजारीबाग और फिर ये यहां जाती है इसको बोलते हैं मुहाने ठीक है याद रखिएगा मुहाने दोनों में एक मुहाने आता है एक मोहना आता है दोनों में डिफरेंस है ये हो गया मोहन नदी ये क्या है निरंजना या फिर लीलाजन चतरा से निकलती है ओके ये जो नदी है निरंजना ये चतरा के सिमरिया से निकलती है ओके ये जो आपने देखा मोहन नदी इसको मोहना भी बोलते हैं क्या बोलते हैं मोहना भी बोलते हैं ये हजारीबाग से निकलती है कोराम्बे पहाड़ से फिर चतरा वापस से हजारीबाग जाती है और फिर जो है ये मिल जाती है किससे निरंजना से ओके अब यहां पर आप याद रखिएगा कि ये जो मुहाने नदी है प्रवेश कर रही है तो ठीक प्रवेश करने से पहले यहां पर एक वाटरफॉल का निर्माण होता जिसको बोलते हैं पर चतरा में यहां थोड़ा सा करेक्शन करना होगा ये नदी हजारीबाग से चतरा जाती है हजारीबाग वापस नहीं आती है ठीक है ये करेक्शन कर लीजिए इस तरह से है है ना इस तरह से इसका है। तो ये मुहाने मोहना हो गया हजारीबाग से जब ये चतरा जाती है चतरा से जब बिहार में इसका प्रवेश होता है तो जस्ट प्रवेश करने से पहले बिहार में प्रवेश करने से पहले एक वाटरफॉल का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं तमासिन जलप्रपात जस्ट यहाँ चतरा में बनता है तमासिन जलप्रपात बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर है ओके और यहीं पर इसी मोहान नदी पर चतरा में जस्ट मिलने से पहले एक नदी आकर मिलती जिसको बोलते हैं बक्सा नदी बक्सा नदी और इसी बक्सा नदी के किनारे है इटखोरी और इटखोरी में है भद्रकाली मंदिर इटखोरी मंदिर के नाम से जो जाना जाता है ओके ये आप समझ गए ये सब कुछ लिखा हुआ है ठीक ना अब देखिए ये जो निरंजना या रिलजन नदी मोहान नदी से मिली इसके संयुक्त धारा को बोलते हैं फलगु नदी इसको क्या बोलते हैं फल्गु नदी बोलते हैं अब ये जो फल्गु नदी है ये जो फल्गु नदी है, अब एक नदी पलामू से निकलकर आ रही है।, okay. है चतरा जाती है और फिर ये जो है इसमें फल्गु मिलती है ये कौन सी नदी है ये पुनपुन नदी है अब ये पुनपुन नदी का जो संगम होता है ये होता है गंगा नदी से ये गंगा नदी से होता है बस ये स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए पुनपुन नदी जो है ये पलामू से निकलकर चतरा जाती है उसके बाद फिर यह जो है फलगु से मिलती है तो फलगु का मुहाना क्या हो गया पुनपुन हो गया निरंजना मुहाने के फलगु कहते हैं ओके कहा से किसका ओरिजिन हो रहा है यह आप समझ चुके हैं बस इसी को एक बार पढ़ लेते हैं ओके ये यहां पर मैप भी जो आपको पी मिलेगा वो यहां पर दर्शाया हुआ ठीक है इसको आप देख लीजिएगा ठीक है निरंजना लीलाजन इसका ओरिजिन क्या है चतरा है ओके मुहाने इसका ओरिजिन हजारीबाग है और दोनों के मिलने से फल्गू नदी इसके संयुक्त धारा को फल्गु नदी कहते हैं फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है ओके याद रखिएगा फलगू को अंता सलीला भी बोला जाता है क्योंकि जो सतह है सतह के नीचे पानी मिलता है इसमें आप जाएंगे तो आपको देखने से लगेगा कि पूरा बालू का परत है पानी इसमें है नहीं लेकिन थोड़ा सा बालू को हटाएंगे तो आपको पानी मिल जाएगा ये है फल्गू उसके बाद बक्सा है बक्सा जो है ये चतरा में मिलती है किससे मुहाने से और इसी नदी किनारे इटखोरी है इटखोरी में भद्रकाली मंदिर है जिसको इटखोरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है फिर सकरी है सकरी जो है कोडरमा से निकल कर ये मिलती है किससे गंगा नदी से ओके नवादा मुख्य रूप से इसी के किनारे है ये सकरी नदी जो है नवादा की लाइफ लाइन मानी जाती है और सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तित करने में इसी का नाम आता है सकरी नदी का ठीक है हो गया फिर एक है क्यूल नदी गिरिडी से निकलकर ये सकरी में जाकर मिलती है पुनपुन -पुन मैंने बताया कि पलामू से निकलती है पलामू और चतरा में बहते हुए ये फिर बिहार में फलगु से मिलती है ओके ये आप समझ गए हैं बाकी जो दो नदी था उसको बता देता हूं मैं एक सकरी नदी है सकरी कोडरमा से निकलकर सकरी नदी डायरेक्टली मिलती है गंगा नदी से है ना और जो क्यूल नदी है गिरडी से निकलकर मिलती है सकरी नदी से यह क्या हो गया सकरी और ये हो गया क्यों नदी ओके okay? ये कंप्लीट बस थोड़ा सा और बचा है फिर यह हो जाएगा कितना टाइम हो गया है एक घंटा पूरा का पूरा रिवर जो है आपको लगभग सवा घंटा में पढ़ने वाले हैं तो अच्छी बात है ना रिविजन हो गया पूरा का पूरा और एग्जामिनेशन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे पॉइंट्स बताए जा रहे हैं ठीक है हाँ कंसेप्चुअली जो आपको पढ़ाया गया था मुझे याद है कि मैंने शायद छह या सात लेक्चर लिया था इस नदी को पढ़ाने में या इससे भी ज्यादा लेक्चर लगा था ओके चलिए आगे देखते हैं हम लोग एक है चांदन नदी चांदन नदी का जो ओरिजिन है वो देवघर से होता है और देवघर से निकल कर ये गंगा नदी में भागलपुर में मिल जाती है ओके बांसलोई नदी ये गोड्डा से निकलती है गोड्डा से निकल कर ये जो है गंगा नदी मिल जाती है आप सोचेंगे ये गोड्डा से निकल कर गंगा में कैसे मिल जाएगी तो यहां पर देखिए गोड्डा जो है गोड्डा से निकल कर ये साहेबगंज जाती है साहेबगंज से फिर जो है अच्छा बांसलोई के बारे में बताया जा रहा है ठीक ना बांसलोई यहां पर यह डायरेक्टली नहीं जाता है इसको यहां देखिए गोड्डा से निकलकर ये जो नदी है गोड्डा से निकलती है अब ये दुमका पाकुड़ के बीच बाउंड्री बनाएगी मतलब गोड्डा दुमका गोड्डा के बीच बाउंड्री बनेगा फिर दुमका पाकुड़ के बीच बाउंड्री बनेगा फिर ये पाकुड़ में एंटर कर जाएगा उसके बाद साहेबगंज फिर पश्चिम बंगाल और उसके बाद ये गंगा से जाकर मिल जाती है ओके इस तरह से इसका परवा है कहने का मतलब ये हुआ कि जो बांसलोई नदी है इसका परवाह क्या हो गया इसका परवाह हो गया गोड्डा दुमका पाकुड़ और फिर साहेबगंज ये चार डिस्ट्रिक्ट हो गया ओके ये बांसलोई बांसलोई नदी जो है ये बांस पहाड़ गोड्डा जिला से निकलती है ठीक है और अभी जस्ट पहले मैंने बताया एक चांदन नदी चांदन नदी जो है ये देवघर से निकलती है देवघर से निकलने के बाद ये भागलपुर में जो है भागलपुर में मिल जाती है गंगा से ओके तो ये दोनों कंप्लीट हो गया एक आता है गुमानी नदी गुमानी जो है ये साहेबगंज से निकलती है और साहेबगंज से निकलकर पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी है झारखंड पश्चिम बंगाल के बाउंड्री पर वहां पर जो है ये मिल जाती है किससे गंगा नदी से ओके लेकिन जिस एरिया में जाती है जैसे कि कुछ ही एरिया है ना साहेबगंज और झार ये बंगाल का जहां पर गंगा का प्रवाह होता है बाकी तो पश्चिम बंगाल का एरिया है ठीक है तो पश्चिम बंगाल में इसका संगम होता है गुमानी का ठीक है और गुमानी की दो सहायक नदियां मेरेल और पंखा ये आप याद रखिएगा ठीक है तो ये कंप्लीट हो गया है झारखंड की जितनी प्रमुख नदियां था प्रमुख नदियां थी उन सभी को बता दिया गया है एक यहां पर जो पीडीएफ में आपका नहीं है वो मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं एक नदी है पंचाने नदी पंचाने नदी तो ये नदी क्या है इसको समझिए छोटी छोटी पांच नदियों का संगम होता है एक हो गया महाने ये अलग है मुहाने वो हजारीबाग वाला नहीं है एक तिलैया ये सब कोडरमा से निकलती है एक पंचाने कुछ बिहार की भी नदियां हैं एक पैमार है एक धरांजे है एक धरांजे। है तो इन पांच धाराओं के संयुक्त धारा को ये जो पंचाने आपने देखा ना इस संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं पंचाने बोलते हैं पंचाने बोलते हैं ओके, इस पंचाने को पंचानन या फिर चानन चानन भी बोलते हैं पंचाने हो गया चानन चांदन अलग है चानन अलग है ओके और ये जो संगम आपने देखा ये संगम कहां हो रहा है ये राजगीर के पास हो रहा है राजगीर में एक जगह है गिरियक वहीं पर इन सभी नदियों का संगम होता है और ये आपने जितना देखा है ये सभी नदियों का जो ओरिजिन है ये झारखंड में ही होता है उत्तरी छोटा नागपुर सिंपली आप याद रखिए उत्तरी छोटा नागपुर पठार से इन सभी नदियों का संगम होता है ओके और इन सभी नदियों का संग इन सभी नदियों का उद्गम होता है उत्तरी छोटा नागपुर से संगम होता है राजगीर के गिर के पास ठीक है तो झारखंड की प्रमुख नदियों को पढ़ा दिया गया है हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में ओके आप जो है इसका पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है ओके okay. और डेली जो होमवर्क सीरीज चल रहा है डेली 200 250 क्वेश्चन का टेस्ट होता है जैसे सी जी का जो पेपर थ्री है उसके लिए एप्लीकेबल तो है ही साथ ही साथ वन डे जितना भी एग्जाम है जितना भी एग्जाम जिसमें कि जीएस का वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी एग्जाम के लिए होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है टेस्ट होता है बाइलिंगुअल टेस्ट होता है एप्लीकेशन में तो आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में ओके और बिल्कुल निःशुल्क है होमवर्क सीरीज आप उसको जो है इंडोल करके डेली टेस्ट दिया कीजिएगा टेलीग्राम में टॉपिक बताया जाता है ओके बाय